तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप जो है अनवांटेड नोटिफिकेशन को जो है कैसे ऑफ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हो तो क्या है कि नोटिफिकेशन जो है आपके वो बार बार शो होते रहते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा इस वीडियो में कि आप उसको परमानेंट जो है आप उसको ऑफ कर सकते हो और वो जो नोटिफिकेशन आपके पास बार बार नहीं आएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइज उसके लिए आपको अपनी सेटिंग को ओपन करना होगा। जैसे ही आप अपनी सेटिंग को ओपन करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा, उसका नाम है मैनेज नोटिफिकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है तो जिसके आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं वे सारी ऐप यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारी एप्लीकेशन जो है वो शो हो गई है, और आप जिस भी चाहे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को जो है वो आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ही अभी ये सी मार्ट का मैं दिखाता हूँ, ये मेरे को एप्लीकेशन है। अगर मैं इसके ये इस यहाँ से आपको दिख रहा होगा अलाउ नोटिफिकेशन, आपको जो है इसको सिर्फ डिसेबल कर देना। जैसे ही आप इसको ऑफ़ कर दीजिएगे तो क्या है ये फ्यूचर में क्या है इसके नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर शो नहीं होंगे, जैसे कि आपने देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ जाते हैं बार बार ही। तो जैसे ये मैं बताता हूँ आपको कि आपने कईयों ने कमेंट किया था कि आपके जो है ये गूगल प्ले पे ना बार बार ही आपके क्या है कि वो नोटिफिकेशन आते रहते कि, तो उसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना, जैसे आप यहाँ पे अपने प्ले गेम्स पे जाओगे, प्ले गेम्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ अलाउ नोटिफिकेशन जो है ये ऑफ़ करना होगा। जैसे आप इसको ऑफ़ करोगे तो क्या है आपके जो है जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं ये गूगल प्ले के वो अब नहीं आएंगे बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप हैं, आप जिस भी चाहे ऐप के जो है नोटिफिकेशन को यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहता हूँ।